इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है कि भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है। यही नहीं, इस खुली छूट देने के बाद से तुरंत अजीत डोभाल रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा का पूरा एक सिनारियो बन रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान से इंडियन आर्मी के शहीदों का बदला लेना है, उन सभी चीज़ों के लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी अपडेट आ चुकी है। बता दें आपको कि भारत सरकार ने खुद इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है, और इस खुली छूट मिलने के बाद अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है क्या। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में शहीदों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल बता दें, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान को शहीद किया है, उसका बदला तो लिया ही जाएगा। और इस बदले के लिए भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी अपने तरीके से देख ले कि कैसे उन आतंकवादियों को पकड़ना है और कैसे पाकिस्तान को नंगा करना है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है। यह सभी चीज़ आर्मी के ऊपर छोड़ दिया गया है और बहुत ही जल्द इसका फैसला आने वाला है। यह खबर आने के बाद से अजीत डोभाल तुरंत ही रवाना हो चुके हैं, और यह खबर जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचा कि अजीत डोभाल रवाना हो चुके हैं, इस खबर के पहुँचने के बाद से पूरे के पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच चुका है। बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान तिलमिला उठा है, उसी तरीके से पीओके खुशी के मारे झूम उठा है, क्योंकि पीओके के एक्टिविस्ट को लगता है कि अब बहुत ही जल्द जैसे ही भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, वैसे ही हमें छुड़ा लेगा। आप लोगों का क्या विचार है, क्या पीओके को छुड़ा लेना चाहिए या नहीं?